हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पिंकी होम कुकिंग लाइफ में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में मारवाड़ी मटन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाना, और इसे बनाने में मेरे हस्बैंड जी मेरी मदद कर रहे हैं, तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चूल्हे पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, और 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg मटन, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। और ये हमारा मसाला पक चुका है, अब हम इसमें ये मटन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हमें इसे तेल में ही पकाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। अभी हमें इसे और पकाना है। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 मिनट तक और पका लिया है। और यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट और पका लिया है। कुल मैंने इसे 12 मिनट पकाया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम मटन के साथ में, और 1 मिनट के लिए प्याज को भी पका लेंगे हम। तो ये देखिए, मैंने इसे 1 मिनट तक और पका लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया था। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक का, और इसी के साथ में मैंने 3 टमाटर। इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है मैंने, तो ये पेस्ट डाल दिया इसमें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसे 2 मिनट तक पका लिया है मैंने पेस्ट को मटन के साथ में। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें अच्छे से पानी डालकर मिक्स कर लेंगे, और ये डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए, मैंने मसाले को मटन के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम मसाले के साथ में ही इसे और पका लेंगे। आप देख सकते हो, हमारे मसाले में उबाल आ गया है। तो ये देखिए, हमारे मसाले में तेल अलग हो रहा है मसाले से। तो ये हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ तक मैंने इसे कुल 20 मिनट तक पका लिया है, और मसाला डालने के बाद में मैंने इसे 7 मिनट तक और पका लिया है। तो ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, और मटन भी हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो
यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारे पास मसाले की सब्जी में उबाल आ गया है और अब हम इसे पका लेंगे। ये मसाले में काफी सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीच बीच में हमें चलाते रहना है इसे। तो ये देखिए इसे मैंने 7 मिनट तक पका लिया है। अभी हमें इसे और पकाना है। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना, बहुत ज्यादा टेस्ट लगती है ये सब्जी। तो हमें इसी तरीके से इसे बीच बीच में चलाते रहना है। जब तक हमारा मारवाड़ी मटन तैयार हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डालने के बाद में इसे 15 मिनट तक और पका लिया है हाई फ्लेम पर। और ये हमारा मारवाड़ी मटन बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से बना है ये। कढ़ाई में इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और अब हम इसमें डाल देंगे एवरेस्ट का मसाला, मीट मसाला। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मारवाड़ी मटन बनके बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाना। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।